कराची में ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के तहत मेमन यूनिटी वॉक का अहतमाम किया गया। सियासत समेत मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के तहत मेमन यूनिटी वॉक का आगाज लियाकत लाइब्रेरी स्टेडियम रोड से हुआ। वॉक में शरीक मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद बिलखसूस खावतीन और बच्चों का जोशो खरोश दीदनी था। सैलाब आता है, जब दलदला आता है तो माशाल्लाह हमारी मेमन कम्युनिटी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है। हमारे इदारे भी सबके लिए काम कर रहे हैं। वॉक में शरीक सियासी रहनुमाओं, सनअतकारों और ताजिरों ने तहरीक आजादी में कुर्बानी देने वाली मेमन बरादरी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहना था कि मेमन बरादरी मुल्क कौम की माशी तरक्की के लिए कोशा है। पाकिस्तान जिस मुश्किल से बना है और जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, सिर्फ उसको याद रखते हुए यकजहती अपनाइए, आपस में मिलजुल के रहें। जो मेमन काविशें थी पाकिस्तान बनने में और उसके बाद हमारे सर आदम जी का एक ब्लैंक चेक देना पूरी मेमन कम्युनिटी के लिए, मैं समझता हूँ खुशी का बायस है। शुरुआत की हौसला अफजाई के लिए रास्तों पर खसूसी कैंप भी लगाए गए थे। वॉक न्यू एमजीएन रोड इस्लामिया कॉलेज पर पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हुई। वॉक की मेमन कम्युनिटी बिला इम्तियाज आवाम की खिदमत और मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करती रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद शुजा के साथ वसीम इफ्तिखार, एयर एवे न्यूज़ कराची। वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे